आज का हमारा टॉपिक है योगा एंड हेल्थ एक्टिविटीज। तो आज का हमारा पहला सवाल है, सर योगा एग्जैक्टली क्या है, इसका ओरिजिन या इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ? सबसे पहले तो मैं योग का शाब्दिक अर्थ बताना चाहूँगा। जी सर। योग का शाब्दिक अर्थ है मिलाना, जोड़ना। यदि इसको हम लिटरेचर की तरफ लेके जाते हैं तो योग के और भी आयाम हैं, जैसे कि महर्षि पतंजलि ने कहा है, योग से चित्तवृत्ति निरोध है। जी सर। लेकिन एक ले मैन के लिए मैं योग का मीनिंग बताना चाहूँ। जी सर। तो इसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, योग फॉर पर्टिकुलर फिजिकल फिटनेस, योग फॉर स्पिरिचुअल फिटनेस। जो फिजिकल फिटनेस के रूप में योग को देखते हैं वो आसन है, प्राणायाम है। जी सर। जैसे कि हम योग को सिर्फ फिजिकल फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो लोग क्या समझते हैं, आसन को देख के ही समझते हैं कि ये योग है। जी सर। एग्जैक्टली योग इससे भी ज़्यादा है, आसन उसका एक पार्ट है, ये उसका एक फिजिकल एस्पेक्ट है। फिजिकल एस्पेक्ट को फिट करने के लिए आसन को अपनाया जाता है। जी सर। ये कि एक बिल्कुल ही स्टार्टिंग ले मैन में समझाने के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ही ये स्टार्टिंग अवस्था है। उसके बाद योग को हम यदि दूसरी तरह से इसको समझना चाहें तो योग एक अपने आप में एक संस्था है, इसके विभिन्न आयाम हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। जी सर। उसके अंदर जब हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर हम योग का मतलब, योग का अर्थ कुछ और ही निकलता है, जिससे हम कह सकते हैं कि चेतना का विकास करना। जी सर। उसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और मैं कहूँ कि हर एंगल से उसको फिट करना योग का एक महत्वपूर्ण योगदान है। जी सर। दूसरा, इसकी बात, दूसरी बात आपने कही कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। योग हमारे ऋषि मुनियों की देन है, हम सभी सुनते आ रहे हैं। जी सर। जैसे कि हमारे जितने भी देवी देवता हुए हैं, मैं शिव की बात करता हूँ, सबसे पहले योग उन्होंने दिया। उन्होंने एक पर्वत के ऊपर बैठकर, मैं ये कहूँ कि साधना के रूप में हमें सिखाया कि योग क्या चीज़ है, वहाँ से शुरू होता है योग। उसके बाद वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, गीता में भी योग का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। कृष्ण जी ने योग को वहाँ पे मेनली तीन रूप में हमें समझाने की कोशिश की है। जी सर। कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। जी सर। इन तीनों आस्पेक्ट के ऊपर उन्होंने अच्छे से स्ट्रेस डाला है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, योगियों की बात करते हैं, महर्षि पतंजलि है, स्वात्मा राम जी हैं, हठ योग की बात करता हूँ मैं तो गोरख हैं, उसके बाद परमहंस जी हैं, और थोड़ा सा यदि मॉडर्न तरीके में आए तो वहाँ पर योग की बात करते हैं, तो वहाँ पे आज के दिन मैं यदि कहूँ तो हमारे स्वामी रामदेव जी हैं। इन्होंने योग को एक जन तक लाने का एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। जी सर। जन तक पहुंचाने का, आज की मैं बात करता हूं तो स्वामी रामदेव जी का भी नो डाउट कि बहुत सी कंट्रोवर्सी ये खड़ी होती है कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये वो है, लेकिन उनका मेन ऑब्जेक्टिव उसके पीछे क्या है वो हमें समझने की जरूरत है। उनका मेन उद्देश्य यही है कि योग को जनता के तक कैसे पहुँचाया जाए, एक आम आदमी तक कैसे पहुँचाया जाए, ऐसा उनका कॉन्सेप्ट है जो मैं समझता हूँ। ये मेरा पर्सनल व्यू है। जी सर। आपने हमें बहुत अच्छा बताया कि ओरिजिन इवोल्यूशन कैसे हुआ या योगा एग्जैक्टली क्या है। सर, हमारा अगला सवाल है, एडोल्सन एज में के लिए योगा के अंदर मतलब आसन के अलावा और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे सीख सकते हैं या फिर उनको भी अपना सकते हैं आसानी से अपनी लाइफ में, तो ये आप हमारे लिसनर्स को बताइए। एडोल्सेंस की बात की आपने, योग वैसे सबके लिए है। जी सर। चाहे वो छोटा है, बड़ा है, जवान है, बीमार है, ठीक है, सबके लिए योग है। लेकिन एडोलसेंट की बात की, आज के युग में हमारा जो एक यूथ है वो मैक्सिमम गलत चीज़ को जल्दी पकड़ लेता है। जी सर। नो डाउट हम योग की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, आसन की बात कर रहे थे, क्योंकि आसन करने के लिए टाइम निकालना है। जी सर। टाइम उसके पास नहीं निकाल पाता है। जी सर। लेकिन हमें उसको योग की शिक्षा देनी है तो उसके और भी माध्यम हैं। अष्टांग योग के अंदर यम और नियम जो दो अंग हैं, प्रथम दो अंग अष्टांग योग के, दैट इज यम और नियम। जी सर। उस यम के अंदर बात कही गई है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। जी सर। नियम के अंदर बात कही गई है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिनिधान। जी सर। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये पांच शब्द ऐसे हैं, इनके बारे में यदि हमारी शिक्षा के अंदर यदि शुरू से ही बताया जाए कि इनका क्या महत्व है, अहिंसा का क्या महत्व है, सत्य का क्या महत्व है, ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है,
तो मैं कहता हूँ कि क्योंकि जो स्टार्टिंग की शिक्षा है वो हमारे घर से मिलती है, उसके बाद हमें स्कूल में डाल दिया जाता है। जब घर के अंदर और स्कूल का जो शिक्षा देने का जो वातावरण है वहाँ पे यदि थोड़ी सी भी हमें सजगता है तो हम अपने बच्चे को इसके बारे में घर के माध्यम से या हम कहें कि स्कूल के अंदर नैतिक शिक्षा वहाँ पे भी दी जाती है। जी सर। तो वहाँ पर ये चीज़ें यदि बच्चे को सिखाई जाएं, क्योंकि बच्चा चाहता है, वो क्या कहता है आज का एडोलसेंट, क्या कहता है कि आसन ये सब मेरे पास टाइम नहीं है इसके लिए, क्योंकि उसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम या जो जितने भी ये मीडिया जिसके वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है या ये कहें कि उसकी जो लाइफ है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट होती जा रही, मॉडर्न लाइफ बनती जा रही है, वो कहता है कि ये मेरे लिए नहीं बना, ये तो ऋषि मुनियों की चीज़ है। लेकिन हमारी शिक्षा के अंदर यदि हमारे इस सिलेबस के अंदर इस आयाम को भी जोड़ दिया जाए, यम और नियम का किसी दूसरे माध्यम से, उसको कहानी के माध्यम से ही समझाया जाए, उसको वैसे स्टोरीज बताकर उसकी बताया जाए कि भाई अहिंसा क्या चीज़ है, सत्य क्या चीज़ है, सोच नियम की जो ये पांच एस्पेक्ट थे, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य और दूसरा जो नियम की सोच संतोष तप स्वाध्याय, इनके बारे में यदि उसको तप कौन करना चाहता, आज के दिन मेहनत तो कोई करना ही नहीं चाहता ना। जी सर, तप यदि वो करे, तप हर एस्पेक्ट में मैं ले रहा हूँ इसको, यानी कि यदि पढ़ना है तो भी मन लगा के पढ़ना है, काम करना है तो भी मन लगा के करना है, यदि उस अंदर पूर्ण रूप से वो इंटरेस्ट लेके काम करता है तो मैं ये कहता हूँ कि आसन तो तीसरा स्टेप है, ये यदि दो स्टेप भी यदि बच्चे को स्टार्टिंग से समझाया जाए, बताया जाए, एक्सप्लेन किया जाए, तो उसे आसन तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली मैं कहूँगा कि एक स्मूथ लाइफ वो जी सकता है। जी जी। एक कंट्रोल्ड लाइफ जी सकता है। जी सर। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आसन को हम, प्राणायाम को हम अलग रख दें और यदि वैसे उसको योग के बारे में बताना चाहें तो दूसरे तरीके हैं, वो यम नियम के माध्यम से हम एडोलसेंट को ठीक अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। ये सब आपने बताया कि एडोलसेंट एज में भी लोग कैसे मतलब योगा को अपना सकते हैं, और योगा के अलावा भी जैसे यम और नियम है इनको अपना के वो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सर अगला सवाल है कि योगा एग्जैक्टली कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन के अंदर ताकि हम इसे अपने लाइफ में ऐड ऑन करें, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिसेज में बैठते हैं, काम करते हैं, वो इम्पोर्टेंस नहीं देते इन चीज़ों को, तो आपको कहाँ तक लगता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में डे टू डे लाइफ के, या इतनी प्रॉब्लम्स हैं, डिजीजेज हैं, उसे क्योर करने के लिए कितना हेल्पफुल है ये हमारे लिए? सो इसके विषय पे आप थोड़ी रोशनी डालिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के युग में हमारा जीवन कॉम्पिटिटिव लाइफ है। जी सर। नो डाउट साइंस ने हमें हर तरह की सुविधा दी है। जी सर। साइंस ने हमें ऐसे ऐसे साधन हमारे सामने रख दिए हैं कि हम कमांड करते हैं, हमारे सामने सब कुछ हाजिर हो जाता है, लेकिन एक स्वस्थ जीवन ये साइंस नहीं दे पाई अभी तक। जी सर। इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं एक लैकिंग है, वो हमारा स्वास्थ्य है, ये हमारी हेल्थ है, वो हेल्थ हमारी पीछे छूटती जा रही है। हमारे पास सुविधाएं, सारे साधन तो हैं, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में आके क्या देख पाता हूं मैं कि हेल्थ के प्रति अवेयर नहीं है। फिर उसको कहीं ना कहीं जाके इस बात का आसरा लेना पड़ता है कि, या डॉक्टर उसको सुजेस्ट करता है कि आप योग करिए, नहीं तो आपका जीवन ये दवाई के माध्यम से ही मतलब यानी कि पूरा हो पाएगा। जी सर। यानी कि योग की वहाँ पे इम्पोर्टेंस है। यदि आपको स्वस्थ जीवन जीना है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पास सोने के लिए बिस्तर अच्छा है। जी सर। लेकिन नींद नहीं आ रही है। जी सर। हमारे पास सारे सुख साधन हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर शांति नहीं है। जी सर। क्योंकि हर वक्त हम कुछ न कुछ पाने की लालसा हमारे अंदर रहती है। जी सर। और ये लालसा हमें इस हद तक ले जाती है कि जिससे हमारा स्वास्थ्य कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। जी सर। फिर अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, जो हमने कमाया है फिजिकल रूप में। जी सर। वो सारा का सारा कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, हेल्थ पे, क्यों ना हम पहले ही इसका ध्यान रखें। अल्टीमेटली योग का एक फिर इम्पोर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करता है, योग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि योग ही एक ऐसा साधन है। जी सर। जो कि हमारे इस सब प्रकार के रोगों से छुटकारा दिला सकता है। कैसे? फिजिकल फिटनेस के रूप में। जी सर। मेंटल फिटनेस के रूप में। जी सर। सोशल फिटनेस के रूप में। जी सर। फिजिकल की बात करता हूँ मैं, आसन और प्राणायाम के माध्यम से हम फिजिकल फिटनेस अपनी मेंटेन कर सकते हैं। मेंटल की बात करता हूँ, स्ट्रेस की बात करते हो आप, या दूसरे जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, चाहे वो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एक योग फुल पैकेज है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। योग एक इतना बढ़िया साधन है
अपने आप को स्वस्थ रखने का, जिसके अंदर हमें ना पैसा लगाने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। सिर्फ ज़रूरत किस चीज़ की है कि हम सुबह या शाम टाइम निकालें उसके लिए। जी सर। हम टाइम कब निकालते हैं? जब हमारा शरीर साथ देना शुरू करता है, जब हमें डॉक्टर एडवाइस करता है कि आप तब जीवित रह सकते हो, या तो योग करो या ये दवाई खाओ, तब हम योग की तरफ मुड़ते हैं। तो योग हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और इमोशनल या स्पिरिचुअल हर एंगल से, इस योग के पास हर तरह का बीमारी का इलाज है। तो हम ये कहें कि योग यदि हम अपनाएं तो इस स्ट्रेसफुल लाइफ में, या हम ऑफिस की बात कर रहे थे आप, उस ऑफिस लाइफ को एक बड़ा इजी लाइफ बना सकते हैं। तो सर, क्या योगा सीखना या करना मुश्किल है, या फिर आसानी से हम सब इसको अपने जीवन में ला सकते हैं या सीख सकते हैं इसे, या एड ऑन कर सकते हैं? तो आप प्लीज़ इस विषय में प्रकाश डालिए। आपने सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है, लेकिन मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि योग ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हम योग को यूज कर सकते हैं। जी सर। या हम ये कहें कि योग हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है। जी सर। फ्लेक्सिबिलिटी एक आस्पेक्ट है जी। हमारी फिजिकल फिटनेस का। जी सर। फिजिकल फिटनेस की यदि मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर मेनली तीन कंपोनेंट है, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी। जी सर। फ्लेक्सिबिलिटी, नो डाउट, आसन के माध्यम से हम हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रख सकते हैं। और एक बहुत ही सुंदर आपने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कैसे, ये फ्लेक्सिबिलिटी जब तक हमारे शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है, तब तक हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर को हम निरोगी काया के रूप में देख सकते हैं। कैसे? जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, ज्वाइंट पेन शुरू हो जाते हैं। जी सर। या सर्वाइकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जी। या हेडेक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मेनली मैं यदि फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता हूँ तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम शुरू इसीलिए होती है क्योंकि हमारे ज्वाइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है। और यदि हम इसको मेंटेन करना है तो योग में आसन का सहारा लेना पड़ेगा। जी सर। इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी इज इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट फॉर फिजिकल फिटनेस। यदि फ्लेक्सिबिलिटी है तो हमारे अंदर हम ये कह सकते हैं कि बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे ज्वाइंट से, हमारी बोन से जुड़ी हुई हैं, वो दूर हो सकती हैं और दूर कर भी सकते हैं हम आसन के माध्यम से। जी सर। ये आपने बहुत अच्छा बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं बल्कि मेंटली, सोशली भी और फिजिकली भी योगा हमें हेल्प करता है। सर, योगा कितने प्रकार का है और कौन कौन से आसन हैं हमें डेली रूटीन में जो कर सकते हैं? जैसे कि हमने कुछ आसनों के बारे में सुना ही है, कपाल भाती होगी, अनुलोम विलोम हो गया, जिससे हम अपने दिमाग के विकास भी कर सकते हैं, और पेट की कुछ समस्याएं हैं जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा होती हैं, लोग उसे भी अपना के, क्या वाकई ये कारगर है कि ये हम लोग सीख सकते हैं और कर सकते हैं? आप इसके बारे में हमें बताएं। जी, जैसे आपने पूछा कि योग कितने प्रकार का है। जी सर। योग मुख्य रूप से चार प्रकार का है। जी सर। जिसमें राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग और लय योग। जी सर। उसके बाद इसके विभिन्न आयाम बना दिए गए हैं। जी जी। इसको सब कैटेगराइज कर दिया गया है। जी जी। यदि आज के युग में मैं देखूं तो बहुत से ऐसे योगी हैं जिन्होंने अपने अपने मॉड्यूल तैयार कर लिए हैं। जी सर। अब वो भी प्रकार में काउंट करते हैं, जैसे पावर योग है। जी जी, जी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि अपना अपना शेड्यूल बनाया, उन्होंने अपने तरीके से उसको नाम दिया है, लेकिन मुख्य रूप से हम यदि बात करें तो सिर्फ चार ही प्रकार हैं, राजयोग, भक्ति योग, हठ योग और लय योग। जी सर। उसके बाद आपने कहा कि कुछ ऐसे आसन हैं जैसे कि कपाल भाती। एक ये भी धारणा हमारे अंदर थोड़ी सी गलत बिठा दी गई है कि हम प्राणायाम को भी आसन समझ लेते हैं। जी, हम क्रिया को भी आसन समझ लेते हैं। जी, जो भी एक्टिविटी हमारे सामने की जाती है कि ये कपाल भाती आसन है, ये जो भी। जी सर। लेकिन नो डाउट कि जो सामने आपको बताने जा रहा है या सामने आप करने जा रहे हैं, उसमें कुछ बातें इधर या उधर की हो सकती हैं, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव उसका यही है कि आपको फिट करना है। जी सर। कपाल भाती ना प्राणायाम है ना आसन है। जी सर। ये शुद्धि क्रिया है। ओके सर। दूसरा, भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बात कर रहे हैं हम, या जो भी कुछ ऐसे प्राणायाम जो कि हम टीवी के माध्यम से या किसी दूसरे चैनल के माध्यम से हमारे सामने रखे जाते हैं या हम उसको देख के करते हैं, तो उसमें एक ही बात ध्यान रखने वाली बात होती है कि भी आप कर किस तरीके से रहे हो, वो आपको
ठीक से मतलब यानी कि करने का तरीका पता है कि नहीं पता है, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। यदि हम उसको गलत तरीके से करते हैं तो फिर उसका थोड़ा सा गलत प्रभाव भी पड़ सकता है, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा पूछा कि आपने कि भी हमारी डेली रूटीन लाइफ के अंदर हम क्या करें कि जिससे कि हमारी ये फिटनेस बनी रहे या हमारा पेट ठीक रहे। कुछ आसन हैं, और कुछ आसन नहीं, मैं सिर्फ एक ही आसन बता रहा हूँ आपको कि सूर्य नमस्कार, जिसके 12 स्टेप हैं। कुछ ऐसी अवस्थाएं होती है हमारे शरीर की जिसमें कि हम सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते बाई चांस, लेकिन आसन जब हम करते हैं, यदि आप एग्जैक्ट पोस्चर देखो तो उसमें एडवांस स्टेज भी है, उसको देख के करना चाहोगे तो वो तो कभी होगा ही नहीं। इसीलिए कुछ स्थूल व्यायाम हैं योग से जुड़े हुए, उसके बाद सूर्य नमस्कार है, उसके बाद आपने बताया कपाल भाति है, उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम है। या थोड़ा सा मैं यदि ये कहूँ कि स्थूल व्यायाम, आसन, आसन भी ऐसे आसन जैसे बहुत ही सिंपल आसन हो, चाहे वो वज्रासन है, चाहे वो पद्मासन है, चाहे वो पश्चिमोत्तानासन है, चाहे वो धनुरासन है, पर आपने उस अवस्था तक करना है जिससे कि आपको सहज महसूस हो। ना कि आपने ऐसे करना है कि ये जो सामने मेरे कर रहा है या टीवी में जो मेरे को दिखाई दे रहा है वो ठीक है, नो डाउट उसकी प्रैक्टिस आपसे ज़्यादा है इसलिए वो एडवांस स्टेज पे कर रहा है। आपने यदि स्टार्ट करना है तो आपको स्थूल व्यायाम से स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आपने थोड़ी देर पहले जो बात की थी फ्लेक्सिबिलिटी, धीरे धीरे ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो आसन की एडवांस स्टेज भी बढ़ती चली जाएगी। और यदि ये कुछ स्थूल व्यायाम, आसन, प्राणायाम या थोड़ा सा ध्यान का यदि हम हमारी दिनचर्या के अंदर सिर्फ 20 मिनट सुबह के या आधा घंटा सुबह का निकालते हैं, शाम का निकालते हैं, तो हम अपनी काया को निरोगी काया बना सकते हैं। सर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, जैसा हमारे प्रोग्राम का नाम भी है सेहत का वरदान नारी का सम्मान, तो सर फीमेल्स के लिए योगा कितना इम्पॉर्टेंट है करना, या जैसे पीरियड्स का टाइम होता है या प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो ये कैसे कैसे टाइप के योगा कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जैसे कि डिफ़िकल्ट योगा पोस्चर्स नहीं कर सकते, या कितनी आसानी से वो योगा कर सकते हैं और कितना बेनिफिशियल है फीमेल्स के लिए योगा करना। वैसे तो आज के युग के अंदर हम यदि नारी की बात करें जी सर, यदि नारी स्वस्थ है जी सर, तो ये जगत जाहिर है कि वो अपने आप को तो सुधारेगी, साथ में वो कहते हैं कि तीन घरों को सुधारती है जी सर। और यदि मैं नारी की एक बात और भी करना चाहूँ तो नारी के लिए तो अवश्य ही यदि आपने ये प्रोग्राम शुरू किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारे इस संसार के अंदर नारी को ये भी माना जाता है कि ये बहुत ही अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं है। कैसे जी सर, वो नारी बेचारी जन्म से पहले भी मार दी जाती है जी सर, और नारी को बाद में भी शायद मैक्सिमम यातनाएं झेलनी पड़ती हैं जी सर। और यदि मैं क्राइम रेट की भी बात करता हूं तो नारी का लेवल बहुत वहां पे सबसे कम दिखाई देगा एज कंपेरिजन टू मेल पर्सन जी सर। तो अवश्य यदि आपने ऐसा सोचा है तो नारी यदि स्वस्थ है तो हमारा घर स्वस्थ है, यदि हमारा घर स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ है, समाज स्वस्थ है तो हमारा ये संसार स्वस्थ है। तो यदि नारी के बारे में यदि आप लोग सोचते हो तो अवश्य ही मैं ये कहना चाहूँगा योग के अंदर बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें आपने पीरियड्स की बात कही या कुछ और भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि नारी का जीवन सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ काम 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 जी सर। पुरुष या मेल मेंबर घर में आके ये सोच सकता है कि भाई मैं ऑफिस से आया हूँ, काम करके आया हूँ तो मेरे को रेस्ट चाहिए, लेकिन कौन देगा वो रेस्ट, वो उस नारी के माध्यम से ही मिल रहा है, उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है कि उसे कब कहाँ कैसे उसका स्वास्थ्य मेंटेन किया जाए या रखा जाए या उसका ध्यान रखा जाए। सिर्फ पुरुष ये सोचता है कि मेरे को रेस्ट चाहिए, मेरे को आराम चाहिए काम के बाद, या मेरी हेल्थ के बारे में सोचा जाए, लेकिन वो कौन देख पा रहा है। तो यदि मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो उसके पीछे नारी का हाथ है। यदि नारी को हम स्वस्थ कर लें तो अवश्य कह सकते हैं कि हमने जो एक स्वस्थ वर्ल्ड की जो बात की है या भारत की बात की है तो अवश्य हम उस टारगेट पे पहुंच सकते हैं। और योग के अंदर बहुत से ऐसे आयाम हैं, आसन हैं, प्राणायाम हैं, जिसके माध्यम से हम नारी के लिए स्पेशल रूप से हम ये कह सकते हैं कि उन आसनों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से नारी को निरोगी काया बना सकते हैं। यदि वो अपने दिनचर्या के अंदर कुछ आसन, कुछ प्राणायाम और कुछ मेडिटेशन का पार्ट यदि इंक्लूड करें तो उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट घर को, समाज को और इस संसार को बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। सर आपका मेन मैसेज क्या है हमारे यूथ को,
या गर्ल्स को, यंगस्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि वो किस तरीके से योगा को अपना सकते हैं? या मेन क्या आपकी तरफ से उनको पॉजिटिव एक मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं इसके बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा कि योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखें। जी सर। या मैं ये कहूँ कि योग के माध्यम से हम अपने आप की ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं। जी सर। दूसरा मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया है वो आज के दिन हमारे यूथ के ऊपर बहुत हैवी होता जा रहा है। जी सर। या ये कहें कि जो कुछ गलत चीज़ें हैं उसको हम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। यदि आज का हमारा यूथ, आज का हमारा स्टूडेंट, उसकी लाइफ के अंदर यदि योग इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो इन सब प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि योग के माध्यम से हम निरोगी काया बना सकते हैं, तो योग को अवश्य अपने जीवन के अंदर अपनाएं। धन्यवाद सर। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक था योगा एंड हेल्थ एक्टिविटीज, जिसके बारे में एक्सपर्ट डॉक्टर महेंद्र जी, जो कि 14 साल से इस फील्ड में अपना योगदान दे रहे हैं, उन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। थैंक यू सर।